स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा की कहानी में लगातार ट्विस्ट एंड टर्न्स जारी हैं। शो में जहां आप देखते हैं कि मीनू बार बार सागर से मदद मांगती है, वहीं जबकि वनराज के द्वारा सागर की पिटाई भी हो चुकी है। हालांकि सागर को शाह फैमिली में से किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन बावजूद इसके मीनू के लिए उसके मन में कहीं न कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है और शायद इसी कारण वो उसे मना नहीं कर पाता। वहीं शो में आगे जहां आप देखते हैं कि सागर मीनू को कॉलेज छोड़ने जाता है, लेकिन तभी लड़कों का एक गिरोह रैगिंग का जाल बिछाते हैं और मीनू के करीब आते हैं। मीनू उनसे खुद का बचाव करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो लड़कों के सामने असफल दिखाई देती है। वे उसे कॉलेज के बाहर छेड़छाड़ करने के लिए पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी वहां एंट्री होती है सागर की और वो सभी लड़कों को खूब पीटता है और मीनू की रक्षा करता है। यानी सागर कहीं से भी कमजोर नहीं है और मीनू के लिए वो बड़े से बड़ा खतरा मोल लेने के लिए भी तैयार है। मीनू ये सब देख काफी चौंकती है और सागर को अपनी जान जोखिम में डालने के लिए थैंक्स भी कहती है। लेकिन क्या मीनू सिर्फ सागर का इस्तेमाल करने के लिए स्वार्थी बनी हुई है, या फिर उसके मन में भी सागर के प्रति कोई सॉफ्ट कॉर्नर है? क्योंकि वहीं वनराज अपनी लाइफ में सभी गलत चीजों के लिए सागर को ही दोषी ठहराएगा। So wait and watch for upcoming twist and turn sensational Anupama. For latest TV news and gossips, subscribe to our channel Tele Network.